आज 3 जनवरी 2024, कड़ाके की ठंड और इतनी गलन वाली हवाएं चल रही हैं कि हाथ पैर बिल्कुल सुन्न। इस साल का सबसे बेहतरीन वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। 2024 में सोलर सिस्टम की कीमतें बहुत तेज़ी से कम हुई हैं और नेक्सस के लिए लोगों का अक्सर ये कहना था कि नेक्सस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ओवर प्राइज्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, 2024 में नेक्सस ने अपने कस्टमर्स को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तो अगर आप पिछले 1 या 2 साल से इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपको सोलर सिस्टम लगवाना है, आपके बजट में नहीं आ रहा है, तो आज आपकी ये समस्या दूर होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 से 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम, 2 सिस्टम बताऊंगा और दोनों की कीमत इतनी कम कि आप ना चाह के भी इस बार सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा लेंगे। मेरा दावा है कि इंडिया में आपको इस रेट से कम रेट में किसी दूसरी कंपनी का सोलर सिस्टम नहीं मिलेगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इससे ऊपर की टेक्नोलॉजी आपको इंडिया में किसी दूसरी कंपनी की देखने को नहीं मिलने वाली है। तो टेक्नोलॉजी वाइज सबसे बेस्ट, कीमत सबसे कम, और ये जो सिस्टम मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 से 6 किलोवाट का, दोनों ही सिस्टम बताऊंगा। बिना बैटरी के अगर आप सिस्टम चलाना चाहते हैं, बिना बैटरी चलाइए, बैटरी लगानी है बैटरी लगाइए, दोनों ही तरह के सिस्टम। कितना आपका इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा, कितनी जगह लगने वाली है, क्या सरकार से आपको फैसिलिटी मिलेंगी, अगर आप बिजली बेचना चाहते हैं तो कैसे आप बिजली बेच पाएंगे, और सबसे मजे की बात इस वीडियो में कि आप ये देखिए, मेरे चारों तरफ आप मौसम देखेंगे, पूरा कोहरा, गलन वाली ठंड। बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत होती है कि साहब सर्दियों में सोलर कैसे काम करेगा, इतनी ठंड में सोलर कैसे काम करेगा। तो आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि सोलर ऐसी ठंड में कितना काम करता है। तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, ये देखिए, ये मेरा बगीचा है, ठंड पूरी तरीके से, कोहरा आप देख रहे हैं, कोहरा, ठंड, और जैसे आज आपको मैंने बताया, पौधों पे देख रहे हैं पूरी तरीके से ओस जम रही है पौधों पे, आप देखें, और ठंड इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल गलन वाला जो माहौल है, गलन वाला माहौल इस टाइम है। 3 जनवरी 2024 मैं ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए कि सिस्टम इस ऐसी सर्दी में भी किस तरह का परफॉर्मेंस देगा, वो मैंने कुछ 4 पैनल लगवाए हैं, आप देखें। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा वो दिखाएं कि 4 पैनल यहाँ पे मैंने लगवाए हुए हैं और इसके साथ ही ये पूरा सेटअप लगवाया हुआ है। तो कितने रुपए में आप ये वाला सिस्टम लगवा पाएंगे और कम से कम कितना पैनल लगेगा, कम से ज़्यादा आप कितना पैनल लगा सकते हैं? बिल्कुल धूप है ही नहीं, कोहरा है, रेडिएशन बिल्कुल ऑलमोस्ट रहता ही नहीं कोहरे के टाइम में। तो क्या ऐसे मौसम में भी अगर आपने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया हुआ है तो क्या आप बिजली के बिना कनेक्शन के भी अपने घर पर लोड चला पाएंगे? तो आपके इन सभी सवालों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि 2 पैक मैं आपको बताने वाला हूं, 1 5 किलोवाट और 1 6 किलोवाट। तो पहले मैं आपको 6 किलोवाट का वो वाला पैक बताता हूं कि जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, और 5 किलोवाट का जो मैं आपको पैक बताऊंगा वो पैक तो इतना गजब है कि उसकी प्राइसिंग इतनी कम कर दी है कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर की कीमत में आपको ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का सिस्टम मिलेगा, और वो भी उस तरह का सिस्टम कि मतलब जिसके अंदर नो लॉस, मतलब पावर फैक्टर 1 और बहुत सारे फीचर्स जो आप वीडियो में आगे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम को लगाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी। और ये जो मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा, इसमें बैटरी लेस भी सिस्टम बताऊंगा कि आप बिना बैटरी अगर चलाना चाहें तो बिना बैटरी भी आप चला पाएंगे, और विद बैटरी चलाना चाहें तो विद बैटरी भी चला पाएंगे। तो इस पैक में सबसे पहले आपको मिलता है, जो 6 किलोवाट का पैक आपको बताने वाला हूँ, इस पैक में मिलता है आपको 8 इस तरह के पैनल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। एक पैनल 580 वॉट का है, और इस पैनल की खासियत यह है कि इंडिया में पहली बार आपको 30 साल की वारंटी इस पैनल पर देखने को मिलती है। ये प्योर एन टाइप का पैनल है। इस पैनल के अंदर जो बायोफिशियल प्रॉपर्टी है उसका एडवांटेज ये है कि आपको 30% तक ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है सेम उतनी ही जगह में। 2023 में इस पैनल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा रही हैं, और 2024 में 1 जनवरी से नेक्सस ने इस पैनल की प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा कटौती की है। तो फ्रेंड्स, अभी आप इसका लाइव टेस्ट तो देखेंगे ही कि ये पैनल कितना जनरेशन अभी करेगा।
इस पैनल के बारे में नेक्सस का कहना है कि वेदर कंडीशन कितनी भी खराब क्यों ना है, आपका जो सोलर पैनल है वो प्रोडक्शन आपका देता ही रहेगा। तो एक पैनल का जो साइज है वो है 2280 mm by 1135 mm, लगभग 7.5 feet ये लंबा है और करीब 4.25 feet चौड़ा है। तो 1 kW का सोलर पैनल लगाने के लिए आप करीब 50 square feet जगह की जरूरत पड़ती। तो आपका यह होगा कि अगर मेरे को 5 kW सिस्टम लगवाना है तो कितने स्क्वायर फीट आपको जगह की जरूरत पड़ने वाली है। तो 1 kW में लगभग 50 square feet की जरूरत पड़ती है। तो 5 kW का सिस्टम लगवाने के लिए अगर 5 kW का पूरा पैनल लगवाते हैं तो आपको 250 square feet जगह की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे दूसरा आपका जो सवाल होता है वो ये होता है कि 1 kW का सोलर पैनल मेरे को कितना जनरेशन देगा। तो 1 kW का सोलर पैनल, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कम से कम 5.5 units आपको साल के एवरेज में दे जाएगा। 5.5 से 6 units के बीच में आपको साल के 300 दिन इसका ईयरली जनरेशन मिल जाता है। अब ये जो जनरेशन है ये लोकेशन वाइज भी डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे आप रहते हैं, और आपका रेडिएशन वाइज भी डिपेंड करता है और इंस्टॉलेशन वाइज भी डिपेंड करता है। तो कितना जनरेशन आपको मिलेगा ये आपकी एक्चुअल लोकेशन पे पता चलेगा। अब आपका जो तीसरा सवाल है वो तीसरा सवाल ये होता है कि कम से कम कितना पैनल आप लगा सकते हैं और अधिकतम आप कितना पैनल लगा सकते हैं। तो 5 kW है अधिक, मिनिमम आप 2 kW का पैनल लगाएं और अधिकतम आप 5 kW का पैनल लगा सकते हैं। इसी तरह 6 kW में है, 6 kW पे अधिकतम आप 7 kW का पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड मॉडल है, मिनिमम आप 3 kW का पैनल लगा सकते हैं। अब इस सिस्टम को मैं लाइव आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा और आप खुद से कैसे लगाएंगे इस सिस्टम को। आपको किसी इंस्टॉलर की भी जरूरत नहीं है इसको लगाने में, इसका इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन भी दिखा देता हूं कि इस तरह के आपको ये 4 panel लेने हैं, इसी तरह आपको 8 panel लेने हैं, और 8 panel में हर पैनल के पीछे आप देखें ये 2 wire होते हैं। आप ये देखें, एक ये प्लस वायर है और एक ये माइनस वायर है। तो हर पैनल में प्लस माइनस है, तो इस पैनल का माइनस इस पैनल के प्लस में जोड़ देना है। इस तरह के बाय डिफॉल्ट आपको पैनल में कनेक्टर मिलते हैं। तो आपको ये 8 के 8 panels की सीरीज बना देनी है। जैसे कि आप ये देखें, एक पैनल की सीरीज बना दी, एक दूसरे पैनल की सीरीज, इसी के साथ ये तीसरे पैनल की सीरीज। तो आप ये देखें, 3 panel की सीरीज बन गई। इसी तरह अगर आप 8 panel यूज करेंगे तो 8 panel की इसी तरह आप सीरीज बना सकते हैं। अब जो फाइनल आपका लास्ट पैनल होगा, तो आपका ये जो फाइनली लास्ट होगा, तो लास्ट में ये आपका कनेक्टर निकलता है और इस कनेक्टर को आपको एक 6 mm के वायर से जोड़ लेना है। तो ये आप देखें, ये 6 mm के वायर से आपको जोड़ लेना है। ये 6 mm का वायर है और इस तरह की इसे, अभी तो मैं टेम्परेरी इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, आपको परमानेंट इस तरह का कनेक्टर में ये इंस्टॉलेशन करना है। तो आप ये देखिए, आप इस तरीके से ये आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये मैंने अभी टेम्परेरी, ये सिस्टम आपको प्रॉपर कनेक्टर इसका बनाना है। तो ये माइनस का एक वायर आपने निकाला और इसी तरीके से एक आपका प्लस वायर निकलेगा। ये प्लस वायर है और ये मेरे पैनल का प्लस है। अभी इस वायर को भी मैं इस पैनल में करा देता हूं तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। तो अभी मैं 4 panel की सीरीज आपको दिखा रहा हूं, इसी तरह आपको 8 panel की सीरीज करनी है। अब ये जो फ्रेंड्स, ये जो पैनल है ये नॉर्मल 24 volt का पैनल नहीं है। मैंने ज़्यादा VOC के लिए 48 volt का यहाँ पे पैनल लगवाया है, क्योंकि 8 panel की VOC आपकी इतनी ही होनी है जितनी इन 4 panel की VOC होनी है। मतलब कि इस पैक में जो आपको पैनल मिलेंगे वो 24 volt के पैनल मिलेंगे और मैं यहाँ पे 48 volt के पैनल आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर 24 volt के पैनल लगाता मैं तो 8 panel लगाने थे, तो इसलिए मैंने 4 panel लगा दिए हैं। नंबर ऑफ पैनल कम करने के लिए डबल VOC का पैनल यहाँ पे लगा दिया है। तो जितना 8 panel का VOC आएगा उतना ही इन 4 panel का VOC आएगा, और एम्पियर जो है उसका, जितना इसका एम्पियर आएगा उससे जस्ट डबल 8 panel का एम्पियर आपको मिलने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखें, ये 2 wire मेरे आए हैं और 2 wire मैंने ये अपने इस इन्वर्टर में, सोलर इन्वर्टर में लगवा दिए हैं। आप ये देखें, ये एक मैंने प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस मैंने अपने सोलर इन्वर्टर में लगवा दिए हैं जो मेरे सोलर पैनल से आ रहे हैं। इसके अलावा ये एक आउटपुट, आप ये देखें, आउटपुट के लिए एक मैंने बोर्ड लगवा दिया है और बोर्ड को हीटर से कनेक्ट करा दिया है। 1 kW के हीटर हैं, 2 kW का पैनल लगाया है, 2 kW का ही यहाँ पे हीटर लगा दिया है। अब ये जो इन्वर्टर आपको मिलने वाला है 6 kW का, थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आपको इस 6 kW के इन्वर्टर के बारे में बता दूं, ये नेक्सस का 6 kW का हाइब्रिड सोलर PCU है। इस PCU को आप बिना बैटरी भी चला सकते हैं और बैटरी के साथ भी चला सकते हैं। तो जैसे कि आप बैटरी देख रहे हैं कि मैंने लिथियम आयन की एक 48 volt की यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करा दी है। इससे आप चाहें तो ऑनग्रिड सोलर सिस्टम की तरह भी इस इन्वर्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ऑनग्रिड सोलर सिस्टम, तरफ ग्रिड होती है, एक तरफ सोलर लगा है, सेम इसी तरह भी आप इस इन्वर्टर को अपने को यूज कर पाएंगे। नाइट का बैकअप आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि साहब मेरे को नाइट का बैकअप भी चाहिए तो आप बैटरीज पे लगा सकते हैं, मतलब बैटरीज में ऑप्शनल है। लोड लिफ्टिंग की बात करूं तो आप करीब 4.5 kW का लोड इससे लिफ्ट कर सकते हैं। 6 kW की इसकी पावर है, क्षमता है लोड लिफ्ट करने की, पर 6 kW का लोड लिफ्ट करने के लिए अगर बैटरी है आपके पास में तो फिर आपको 2 बैटरी ये डालनी पड़ेंगी लिथियम फॉस्फेट की, और 4.5 kW का आप लोड इस पे लिफ्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी सिस्टम को आप 100% क्षमता पे मत चलाइएगा, अधिकतम आप 90% क्षमता पे चला पाएंगे। ये नेक्सस का नया लोगो आप देख रहे हैं, नेक्सस देश की टेक्नोलॉजी, और
मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसकी स्क्रीन आप देख रहे हैं, तो स्क्रीन जो है इसकी टच स्क्रीन है और यहाँ पे आप देखें 294 वोल्ट 295 वोल्ट यहाँ पे बनना है, 0.6 एम्पियर यहाँ पे आ रहे हैं और 202 वाट का जनरेशन यहाँ पे पैनल कर रहा है। आप देखें 202 वाट का, 204 वाट का पैनल यहाँ पे जनरेशन कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप ये देखें, मैंने यहाँ पे दो हीटर चलवा दिए हैं, आप ये देखें, और चूंकि मैंने इसमें बैटरी कनेक्ट कराई हुई है तो आउटपुट आप देखें 2 किलोवाट का यहाँ पे आउटपुट 2.01 2 किलोवाट का लोड यहाँ पे चल रहा है, चूंकि दो हीटर मैंने यहाँ पे चलवा दिए हैं। आप देखें ये दो हीटर मैंने यहाँ पे चला दिए हैं, तो दो हीटर मेरे यहाँ पे चल रहे हैं और जो सोलर से मेरे को जनरेशन मिल रहा है, आप देखें सोलर से मेरे को करीब 200 वाट का जनरेशन मिल रहा है, 199 वाट आप देखें, और उसके जो बाकी ये लोड है वो 1800 वाट जो बाकी बचा वो ये बैटरी से ड्रेन कर रहा है। तो अगर आपने बैटरी लगाई हुई है तो एक्स्ट्रा लोड को ये आपके बैटरी से ड्रेन करेगा, और बाकी आप बिजली लगाई हुई है, ग्रिड लगाया हुआ है, तो ये बाकी जो लोड है जो सोलर नहीं बना रहा है उस लोड को ये आपके जो ग्रिड है उसमें से ड्रेन कर लेगा, मतलब उसमें से ले लेगा। आप देखें 205 वाट, बिल्कुल धूप नहीं। मैं आपको एक बार और दिखा दूं फ्रेंड्स, आप देखिए बिल्कुल कोहरा, भयानक कोहरा, और बिल्कुल कोहरे में रेडिएशन बिल्कुल नहीं। आप सोच के देखिएगा कि जब सोलर पैनल इतने, और सुबह के 9:30 बजे हैं, और 9:30 बजे आप देखिए बिल्कुल भयानक कोहरा है, धूप का कोई नामो निशान नहीं, कोई धूप नहीं, उसके बाद भी सोलर पैनल 212 वाट का प्रोडक्शन, अभी देखें 212 वाट का प्रोडक्शन यहाँ पे, 212 वाट का प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहा है। तो अगर आपने एक पैनल यहाँ पे लगाए होते तो 500 वाट का आपका प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा होता दिन के टाइम, और 500 वाट का प्रोडक्शन का मतलब है कि आपके घर पे टीवी है, आपके सर्दियों में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा टीवी चलाता है, लाइटिंग है उसकी, मोबाइल चार्जिंग है, लैपटॉप चार्जिंग है, तो मतलब आपके घर के जो मैक्सिमम काम है वो सारे आप कर पाएंगे। अभी जरा सा भी यहाँ पे जैसे ही धूप निकलेगी दिन में, माना 12-11 बजे धूप निकलेगी, तो उस टाइम इस पैनल का प्रोडक्शन करीब 2 किलोवाट या 2 किलोवाट से ज़्यादा चला जाएगा, 4 पैनल का ही। तो उस टाइम आपकी जो बैटरी है, जो खाली हो जाएगी बैटरी आपकी, वो बैटरी आपकी फुली चार्ज हो जाएगी। अब फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी कि अगर आप इसमें बैटरी डालनी है तो बैटरी आपको इसमें कौन सी डालनी है, तो लेड एसिड की आप 4 बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं, और लिथियम की आप 1 बैटरी मिनिमम है आप किसके ऊपर लगा सकते हैं, 1 बैटरी से अधिकतम आप 5 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर पाएंगे, और आपको 5 किलोवाट से ज्यादा लोड लिफ्ट करना है तो इस तरह की 2 बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। ये जो आप नेक्सस की बैटरी मेरे सामने देख रहे हैं, ये बैटरी 48 वोल्ट 100 AH की बैटरी है, और इस बैटरी पे पहली बार आपको 15 साल की वारंटी मिलती है, और इस बैटरी में कभी कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं करना। अब फ्रेंड्स 6 किलोवाट की मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूं कि 6 किलोवाट सिस्टम की प्राइसिंग कितनी है। 8 पैनल 580 वोट के नेक्सस के एन टाइप के, एक 6 किलोवाट का ये वाला सोलर PCU, एक ये वाली लिथियम फॉस्फेट की 100 AH की बैटरी, और एक प्रोटेक्शन बॉक्स। इसमें अगर आपको ग्रिड भी रखनी है तो प्रोटेक्शन बॉक्स आपको मस्ट है लगाना। प्रोटेक्शन बॉक्स आपके घर की सेफ्टी भी करता है, आपके घर के जो सामान आप चला रहे हैं उनकी भी सेफ्टी करता है। तो प्रोटेक्शन बॉक्स के साथ में ये वाला पूरा पैक आपको मात्र 4,30,000 रुपये में मिल जाता है, और 6 किलोवाट का सबसे प्रीमियम क्लास के सोलर पैनल के साथ में, हाइब्रिड सोलर PCU के साथ में, और 15 साल लिथियम बैटरी के साथ में, आपको किसी भी दूसरी कंपनी का सिस्टम इतने कम रुपए में नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है वीडियो में। अगर किसी भी कंपनी का आप दिखा देते हैं कि इससे सस्ता है तो कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इस कंपनी का जो सिस्टम है वो सस्ता है। अब इसके अलग अलग प्राइसिंग की बात करो तो करीब 18,500 रुपये प्लस GST एक पैनल की प्राइसिंग है, और इस बैटरी की प्राइसिंग की बात करूँ तो 96,000 प्लस GST में आपको ये वाली नेक्सस की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी मिल जाती है। अब फ्रेंड्स अगर आपको 5 किलोवाट का सिस्टम लेना है तो 5 किलोवाट का सिस्टम हाइब्रिड नहीं है, ये ऑफ ग्रिड है, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं 5 किलोवाट का ये ऑफ ग्रिड मॉडल है। इसमें आप सिर्फ ग्रिड एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब सरकार को बिजली बेचना चाहें तो नेट मीटरिंग आप इस पर नहीं करा पाएंगे, बाकी ये इन्वर्टर भी बैटरी लेस है, बिना बैटरी के भी आप ग्रिड प्लस सोलर दोनों के साथ भी आप इस इन्वर्टर से अपना लोड चला पाएंगे। अगर इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूं तो 50,000 रुपए इसकी प्राइसिंग कम हो जाती है, 8 ही पैनल रहेंगे, एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी रहेगी, और अगर ये 5 किलोवाट के साथ में आप लेते हैं विद प्रोटेक्शन डिवाइस तो आपके पूरे पैक की कॉस्ट पड़नी है आपको 3 लाख
80,000 रुपये। तो 3,80,000 रुपये में 5 किलोवाट का दुनिया का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम आपको मिल जाता है। और ये जो प्राइस मैंने आपको बताया कि अनबिलीवेबल प्राइस है, अब इस प्राइस में बाकी कुछ ज्यादा नहीं बचता है। प्रोटेक्शन बॉक्स हमने इसमें दे ही दिया है, इन्वर्टर बैटरी पैनल सारा हो गया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपकी बचती है। तो इंस्टॉलेशन आप खुद से चाहें तो केवल स्ट्रक्चर ही लगना है, स्ट्रक्चर को आप खुद से भी लगवा सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने आपको कनेक्शन बताया, एक पैनल से दूसरे पैनल में आपको सीरीज कर देना है, 8 पैनल है, 8 के 8 पैनल को आपको सीरीज करके, चाहे आप 6 किलोवाट यूज कर रहे हैं चाहे 5 किलोवाट यूज कर रहे हैं, पूरी सीरीज को आप किसी भी इन्वर्टर में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और दिखाऊं, देखिए अभी भी कोहरा है पूरा, और मेरे यहाँ पे जो सोलर पैनल है इसने प्रोडक्शन जो है वो कर दिया है 234 वाट का। आप देखें 234 वाट का प्रोडक्शन, अभी अब से पहले 200 वाट का प्रोडक्शन हो रहा था, अब 234 वाट का प्रोडक्शन हो गया है। और जैसे ही ये जो दिन है ये थोड़ा सा भी निकलेगा, थोड़ा सा भी यहाँ पे विजुअलिटी और बढ़ेगी, इसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से सोलर पैनल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि आपका सोलर सिस्टम सर्दियों में काम करेगा नहीं करेगा, आप निश्चिंत होकर सोलर सिस्टम ले सकते हैं। तो फ्रेंड 2024 में नेक्सस ने अपने कस्टमर्स को बहुत सारे तोहफे दिए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्स मैनेजर के नंबर दिए हुए हैं, आप उनको कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये ऑफर कैसा लगा, और एक रिक्वेस्ट कि अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।